Hey guys, मेरा नाम है अनुज और समझ गए होंगे होपफुली कि स्कॉट रैकी होगा इसके अंदर। देखने में ये हमें क्या लग रहा है, क्या था, क्या बताया था आपने इसको, आईफुल टावर। देखने में लगता है आईफिल टावर, अभी इसके अंदर पता लगे कि आईफिल टावर ही है या फिर इसके अंदर स्कॉट रैक है। ये क्या इसका जो प्राइस है, सिर्फ 2,500 रुपये का मुझे ये मिला है अमेजोन से और विद इन 4-5 डेज आ गया। तो अभी फिलहाल इस आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को भी इक्विपमेंट्स अरेंज करने में, थैंक गॉड कि अमेजोन ने टाइम पर भेज दिया। ना तो ये गाइस स्पॉन्सर्ड वीडियो है अमेजोन का, ना ही ये स्पॉन्सर्ड वीडियो इस ब्रांड का जिस ब्रांड का ये है। जो जैसा है आपके सामने, मैं इसको फिलहाल करने वाला हूँ अनपैक और इसका रिव्यू आपके सामने करूँगा, बिकॉज कभी कभी कुछ चीज़ें विदाउट स्पॉन्सर्ड वीडियो भी बना देनी चाहिए। तो आज का वीडियो गाइस ऐसा ही है, सिर्फ आपकी हेल्प के लिए। करते हैं इसको अनपैक। तो गाइज हम लोगों ने कर लिया इसको फिलहाल अनपैक। और भाई पहले बता दूँ, एक अच्छा खासा नाइफ लेकर आना, बिकॉज पैकिंग जो है बहुत शानदार थी अमेज़ॉन की। और प्री वर्कआउट लेके अगर इसको अनपैक करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अच्छा खासा टाइम लगता है, मेहनत लगती है इसको अनपैक करने में। तो दोस्तों ये दोनों हैं जो इसके साथ आया है। इसके जो मुझे थोड़ा सा एक अच्छा फैक्टर लगा था, स्पेशली जब मैंने इसको ऑनलाइन भी चूज़ करा था, आपको बताता हूँ वो क्या था। इसके नीचे आप अगर देखो जो इसका इसका जो बेस है, ये जो इसका बेस है, ये इसमें 4 पाए हैं। तो ये 4 पाए का थोड़ा फ़ायदा रहता है कि थोड़ा सा स्टेबल रहता है। हालांकि ये ऐसे भी आता है, इसमें सिर्फ एक ऐसा होता है, लेकिन सिंस ये चारों तरफ से इसको सपोर्ट दे रहा है तो मुझे लगा था कि थोड़ा सा स्टेबल होगा। और जो कि मैं अगर इसको यहाँ पर ऐसे देखूँ तो ये हिल भी नहीं रहा है, तो आई थिंक इट विल बी क्वाइट स्टेबल। बाकी इसमें वेट ला के मैं देखूँगा। और इसके अगर हाइट की बात करें तो हाइट मुझे वैसे उम्मीद थी कि थोड़ा इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि आप अगर देखो तो मैं तो 6 फुट का हूँ और वैसे ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। और जितना अगर मैं बात करूँ जहाँ मैं जाता हूँ एनी टाइम फिटनेस, वहाँ पे जो स्क्वाट रैक होता है तो इससे बस थोड़ा सा ही ऊपर होता है जहाँ मैं उसको रखता हूँ। और यहाँ भी जैसे मेरे सिर्फ लगभग अगर बात करें तो चेस्ट के लेवल तक आ रहे, तो आई थिंक इट शुड बी अ गुड हाइट, स्पेशली जो मेरी 6 फुट की हाइट है। आप इससे अंदाज़ा लगा लेना कि आपके लिए कितना ऐप्ट होगा कितना नहीं होगा। जहाँ तक इस बात करें कि किस तरीके से सेट हुआ, आपको बताता हूँ एक बार। इसके साथ इस तरह से जो स्क्रूस आया है, एक तो ये आया है और एक और है जो आपको दिखाता हूँ कि क्या है। मेरी डैड कैट है। तो ये गाइज इसका इस तरीके से स्क्रू जो है ये अटैच्ड है। इसको पहले खोलेंगे, ये खोला ताकि ये बाहर निकल सके। और ये इसको हम लोग जितना ये मैक्सिमम हो सकता है, कितना हो सकता है, ये इतना है पूरा आर्म जो है इसका, एक्सटेंडेबल आर्म। और ये हम इसे जो इसका लास्ट पॉइंट है वहाँ पर जाकर हमने इसे करा लॉक, दोनों तरफ से स्क्रू को हमने टाई कर दिया। और इसके बाद ये आप देख रहे हो थोड़ा सा हिल रहा है, ठीक। ये जो दिया हुआ है इन्होंने मेरी ख्याल से इसलिए दिया हुआ है ताकि ये स्टेबल हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि आप जब इसे लगा दोगे, अभी जैसे ये अनस्टेबल सा है ना, ये लगाने के बाद ये स्टेबल हो जाता है। ये मैंने अभी इसमें लगाया था तब पता चला मेरे को, सही अब ये स्टेबल सा हो गया है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्या, मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि मैंने ये ऑर्डर क्यों करा है, ऐसा क्या हो गया था। ये गाइज मेरा अर्लियर सेटअप है, जिस सेटअप से अब तक स्क्वाट लगा रहा था। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये सिंस बेंच के साथ ही, मतलब ये एक्चुअली स्क्वाट रैक है नहीं, इसको हमने जुगाड़ की तरीके से एक तरीके से स्क्वाट रैक बना रखा था। क्योंकि इसमें तो आप ऐसे अंदर की तरफ आते हो तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा अनकन्वीनियंट है, क्योंकि आप देखो तो आपके लेग्स यहाँ पर टच हो रहे हैं और मतलब अजीब सा ही कुछ फील होता है। तो इससे बेहतर कि आप इसको ऐसे उठाओ, नाउ आई एम श्योर कि इस बार यहाँ से उठाने में और रखने में आसानी होगी थोड़ी सी। तो आप जब यहाँ पर आए स्क्वाट रैक में, दिस इज द स्टेंस। अब जो मुझे सबसे पहली चीज़ लगती है वो ये लगती है कि मेरे पास गाइस जो ये बार है, आप अगर इस बार को देखो तो ये प्रॉपर ओलंपिक बार नहीं है, यानी कि जो पूरा 6 फुट और 7 फुट वाला जो बार आता है हमारे जिम में, जो अक्सर होता है कमर्शियल जिम में, मेरे पास वो बार अवेलेबल नहीं है। ये जो बार है गाइस ये छोटा वाला है, इसकी वजह से क्या है कि ये थोड़ा सा मुझे आई हैव टू ब्रिंग देम क्लोज़र,
ताकि एक अच्छी ग्रिप बन पाए। ठीक है जी, लुक्स गुड। अब देखते हैं एक बार इसको, अगर हम अब इसको अनरैक करेंगे तो कितना प्रॉपरली हो पाता है। ये अनरैक करा, ये हम पीछे गए, ये हमने स्क्वाट करा, इट इज़ कंफर्टेबल। लेकिन मेक श्योर करें, क्योंकि यार मुझे तो बहुत टाइम से हम लोग स्क्वाटिंग लगा रहे हैं तो हम लोग को प्रैक्टिस होती है, हम लोग राइट लेफ्ट देखकर हम लोग वेट रख सकते हैं इसमें। लेकिन आपके पास अगर सामने शीशा नहीं है और आप अगर बिगनर हैं, मैं कहूँगा कि या तो किसी को साइड में खड़ा कर दें जो कि आपको देखते रहे कि आप बार जब रख रहे हैं वो ठीक से उसके ऊपर आया है नहीं आया, वरना सामने एक शीशा हो। अब गाइस एक जो चीज़ मुझे और चेक करनी है आपके लिए वो ये है कि इसमें आप कितना वेट लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने 10-10 के प्लेट यहाँ पर लगाए हुए हैं, मैं इसमें वेट अभी और लोड करूँगा और इसको चेक करूँगा कि मेरे पास जितना वेट है उतना इसमें स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा। आपको बताता हूँ कि जो अमेज़ॉन के ऊपर लिखा था उसमें लिखा था कि अप्रॉक्सीमेटली 100 से 110 किलो तक ये स्टेबल रहेगा। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये बाकी में स्टेबल रहेगा या नहीं। तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर वेट अभी रैक कर दिया है, ये अप्रॉक्सीमेटली इसमें बार को अगर मिला दूँ ये अप्रॉक्सीमेट वेट जो है ये है अप्रॉक्सीमेटली 90 kgs। और आप अगर इसे देखो तो 90 kgs पे भी अगर मैं इसे धक्के से भी यहाँ पर ऐसे वेट को रखता हूँ तो ये स्टेबल है, क्योंकि स्टेबिलिटी जो है ना वो इसकी होनी चाहिए, जो इसके पाए हैं ये ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपने इसे वेट रखा और ये धड़ाम हो गए या फिर हिल रहा है बहुत ज़्यादा। एक बार आपके सामने इसे टेस्ट करते हैं, हालांकि आज मेरा लेग डे नहीं है पर टेस्टिंग के लिए ज़रूरी है। ये हमने अनरैक करा, ये हमने स्क्वाट करा, ये हमने इसको रैक कर दिया। तो मुझे लगता है गाइस रिपोर्ट इसकी ओके है, लेकिन दोबारा आपसे कहूंगा कि सिंस आप अगर देखें तो मैंने जब इसको रैक करा है मैं राइट लेफ्ट में क्या चेक कर रहा हूं कि ये बार इसके ऊपर आया है ठीक से नहीं आया। अगर आपको मेरी तरह प्रैक्टिस है आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो या तो शीशे का इस्तेमाल करें या फिर एक स्पॉटर को साथ में लें। बाकी गाइस आपको एक बात और बता दूं कि अमेज़न में ऐसा नहीं है कि इससे महंगे स्क्वाट रैक नहीं थे। उसमें आपको बताता हूँ कि क्या था कि मैंने ये वाला क्यों चूज़ करा। मैं इनिशियली चाहता था कि ये जो जिसमें दो अलग अलग आएंगे ये खंबे जो है हमारे ये अलग अलग आए, क्यों? अब अगर मुझे इसमें आगे जाके कभी ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी का इशू है, मेरे पास हमेशा एक ऑप्शन है कि मैं वेल्डर को लेकर आकर इस तरीके का एक पाइप वो मैं इनके बीच में इसको ज्वाइन करा के वो पाइप यहाँ बीच में लगा कर उसको वेल्ड करा के इसमें और स्टेबिलिटी दे सकता हूँ। क्योंकि ऑनलाइन फोटो देखकर ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि कितना स्टेबल होगा, तो आई थॉट कि अगर इतना स्टेबल नहीं भी हुआ तब भी मैं इसमें बीच में वो पाइप लगाकर और इसमें वेल्डिंग करवा कर इसको और स्टेबल बना दूंगा। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी स्टेबल है, जितना मुझे फिलहाल होम वर्कआउट के लिए चाहिए उतना स्टेबल ये है। 90 से मैंने ऐड कराया, फिलहाल मुझे लगता नहीं कि इसमें आप अगर 10-20 किलो और ऐड करेंगे तो इसमें कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो आई थिंक कि जितना इन्होंने क्लेम करा है 100-110 किलो उतना में ये चल जाएगा मेरे ख्याल से, मुझे कोई लगता नहीं कि दिक्कत आनी चाहिए। तो अब गाइस फिलहाल जो मेरे पास सेटअप है वो ये बेंच है जो कि इंक्लाइन होता है फ्लैट होता है, स्क्वाट रैक के लिए आ चुका है ये हमारा फिलहाल नया इक्विपमेंट। ये दोनों चीज़ के काम है, एक तो स्क्वाट रैक के लिए, दूसरा जो शोल्डर प्रेस होता है उसमें फिर सिंस आप पूरा ज़मीन से उठाओ, पहले डेडलिफ्ट लगाओ फिर शोल्डर प्रेस लगाओ, उससे अच्छा ये कि आप सीधे यहाँ से वेट उठाएंगे, आप यहाँ पर आएंगे और वेट लिफ्ट करेंगे। तो आई थिंक कि काफ़ी अच्छा खासा एडिशन है, स्पेशली अगर इसकी कॉस्ट की बात करें 2,500 रुपये, मुझे लगता नहीं यार कि इससे अच्छा इक्विपमेंट कुछ और हो सकता था, स्पेशली जो आपका स्क्वाटिंग का और शोल्डर प्रेस का दोनों का पर्पस सॉल्व कर दे। मैं क्या इसका लिंक अमेज़ॉन का डाल दूंगा, कोई स्पॉन्सर्ड लिंक नहीं है, आपको मन करे आपको ये चीज़ समझ में आए तो आप ले सकते हैं। और बाकी इसके अलावा भी मेरे ख्याल से फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शन थे, मेरे को ये समझ में आए इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप देना और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना। मैं गाइस ऐसे मिलूंगा बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चीयर्स।